एक आखिरी सवाल आपसे आखिर में, ठीक है, युवाओं की बात अगर हम कर रहे हैं तो युवाओं के लिए आपकी पार्टी का 2024 के लिए क्या विजन है? क्योंकि बार बार रोजगार की बात होती है, रोजगार को लेकर सवाल विपक्ष भी उठाता है और एक ऐसा इशू है, ऐसा नहीं पहली बार सवाल उठा ऐसा है, उठा है, उठता रहेगा। देखिए, विपक्ष का वो एक नेता बेरोजगार हो गया है, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें टैलेंट ही नहीं था, ठीक। और जहां तक देश के नौजवानों की बात है, मुद्रा योजना, मैं छोटा सा ही विश्लेषण आपको दे रही हूं। नरेंद्र मोदी ने स्वयं रोजगार मेला के माध्यम से लगभग 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी, जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा है। मुद्रा योजना में 8 करोड़ नौजवानों ने लोन्स लिया ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सिंपल सा गणित है, उन 8 करोड़ लोगों ने अपने व्यवसाय के लिए, मतलब छोटे बिजनेस के लिए पैसा लिया। कम से कम किसी एक के साथ तो काम किया होगा, इसका मतलब 8 करोड़ अगर किसी एक को भी काम देते हैं तो कितना हुआ मैथ्स में? 16 करोड़ जी। तो 9 लाख सरकारी नौकरियां, 8 करोड़ का नौजवानों को लोन, और फिर उसके साथ अगर आज आप पूरा स्किल का भी विश्लेषण कर लें, डिजिटल लिटरेसी का विश्लेषण कर लें, स्वनिधि में अगर विश्लेषण कर लें, हर स्कीम में आपको युवा वर्ग ने विशेष रूप से किस प्रकार से अपने साथ अपने आप से सृजन किया है नौकरियों का, उसका प्रमाण तो ऑलरेडी है, एम्पिरिकल एविडेंस है। और अगर आप लेबर के भी मिनिस्ट्री के नंबर्स देख लें तो आज सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के इतिहास में अगर है तो मोदी के राज में, और ये कह दूं कि तब है जब ये देश कोविड की विषम परिस्थिति से गुजर चुका है जी। तो जब आंकड़े सच बयान कर रहे हैं और यही वापस ये नौजवान बैठे हैं, वोट किसको जा रहा है? देखिए वापस ये बदल रहा है। स्मृति जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी का कितना आखिरी है ये? अच्छा, बिल्कुल फाइनल है। क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त और मिल गया तो मुझे लगता है एक सवाल आपसे और करना चाहिए। देखिए, फ्री वीज की बात होती है, जो रेवड़ियां बांटने का कल्चर है, आप सवाल उठाते हैं अरविंद केजरीवाल पर या दूसरे लोगों पर भी, लेकिन आप लोग भी तो ऐसी योजनाएं चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह आपने मोदी को कहीं किसी सीढ़ी को चढ़ के बिजली का तार काटते हुए देखा है? जी बताइए, आप बताइए। मैं पूछ रही हूँ, आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे जी। चलिए, नहीं देखा जी, नहीं देखा ना जी। मोदी जी को कभी ये कहते हुए देखा है कि वोट दे दो मैं सबके बिजली का बिल फाड़ दूंगा? नहीं। नरेंद्र मोदी ने देश की जो ट्रेजरी है उसका इस्तेमाल कैसे करने को कहा? सबसे उसका अच्छा उदाहरण मैं महिला की दृष्टि से अगर दूं तो उन्होंने कहा मातृवंदन योजना शुरू करते हैं, मतलब कि एक गरीब औरत जब गर्भवती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, वैक्सीनेशन लगाने नहीं जाती, अस्पताल नहीं जाती चेकअप के लिए, क्योंकि उस दिन की दिहाड़ी उसकी चली जाती है जी। नरेंद्र भाई ने कहा ऐसी बहन के बैंक के खाते में 5,000 रुपए डाल दो ताकि डॉक्टर का चेकअप कराए। अब जिस गरीब औरत को 5,000 रुपए मिल गए, उसने कहा ठीक है, एक दो दिन की अगर दिहाड़ी जाती है तो कम से कम मैं डॉक्टर से मिल सकती हूँ, वैक्सीनेशन कर सकती हूँ, और पहली बार वो अस्पताल में जाती है, सरकारी अस्पताल में उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि आप बच्चे को घर पर जन्म ना दें, अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाए तो कम से कम अस्पताल में जन्म देंगी तो डॉक्टर बचा पाएंगे, माता मृत्यु दर कम होती है, बच्चे की मृत्यु दर जन्म पे कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहा 5,000 रुपए दे दो जी, उसके पीछे एक साइंटिफिक, और फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर दूसरी बच्ची होती है, बेटी होती है तो 6,000 रुपए दो, क्यों? ताकि किसी को ये ना लगे बेटी को जन्म दे रहे हैं तो अभिशाप है जी। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन, अगर आपको कंपैरेटिव चाहिए तो हर बार ये सोचिए कि मोदी को आपने अरविंद केजरीवाल की तरह सीढ़ी चढ़ के बिजली का तार काटते हुए कभी देखा है क्या? तो बिल्कुल स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली देते हुए देखा होगा मोदी को सौभाग्य योजना से जी, इसीलिए लोगों की बत्ती गुल हो रही है और वो विदेश जा रहे हैं इस वक्त जी। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस मंच पर आप आई। जाते जाते आप, अगर मैं गुजारिश करूं, फिर से पूछ लेते हैं 24 में कौन, थोड़ा जोर से बोल दो, और यही मोदी की गारंटी है, ऐसी बेटियां।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।